है गुड़िया मैं हूँ सहेली, जमाना खराब है तू ना जा अकेली, तुम क्या जानो मेरी पहेली। ये है गुड़िया मैं हूँ सहेली, जमाना खराब है तू ना जा अकेली। तुम चॉकलेट खाओगी? मैंने पीछा, आप घर में नहीं खाती। मैं टॉफियां भी ले लूँ। मैंने खाती, आप खाए। मैं और भी ला दूंगा। मैं तुम्हें कपड़े भी ले दूंगा। तुम्हें कौन से रंग के कपड़े पसंद? मैं कपड़े नहीं लूंगी, मैंने मुझे ना मना किया, डांटेंगी। ओहो, वो क्यों डांटेंगी? मैं तुम्हारी माँ को भी लेके दे देता हूँ, वो क्यों डांटेंगी भला? अच्छा, मुझे ना लाल रंग की शलवार और काली कमीज बहुत पसंद है, मैं इस तरह के कपड़े लूंगी। हाँ हाँ, मैं तुम्हें बहुत सारे लाल कपड़े ले दूंगा। ठीक है, चलो ये खाओ। क्या हुआ बच्ची को, क्या हुआ है? कुछ नहीं कुछ नहीं, ओ बेंच से गिर गई थी। बेंच से गिर गई? या तुम जमीन से गिर गए हो? ओ बस शैतान गालिब आ गया। क्या कहा? शैतान गालिब आ गया था? तुम तो खुद इतने बड़े शैतान हो कि शैतान भी तुमसे पना मांगता होगा। कुआर बंद करो और ये शोर शराबा भी बंद करो। तुम्हें पता नहीं है कि मैं इस रियासत का, इस मुल्क का बहुत बड़ा आलिम और एक सियासी घराने से मेरा ताल्लुक है। बस जो होना था हो गया। क्या हुआ मेरी बच्ची को? मेरी जान उठो, किसने किया तुम्हारे साथ ये सब कुछ? मेरी बच्ची आंखें खोलो। देखो जुबैदा, तुम अपनी बच्ची को लेके अब गाँव चले जाओ और जितने पैसे चाहिए तुम ले लो मुझसे। मैं सारी जिंदगी आपकी और आपके खानदान की खिदमत करती रही हूँ और मेरे साथ आपने जितनी भी ज्यादतियाँ की मैं खामोश रही, लेकिन अब मेरी बच्ची के साथ जो आपने किया मैं कभी खामोश नहीं रहूंगी। मैं आपका असली चेहरा दुनिया के सामने लेके आऊंगी और पूरी दुनिया को बता दूंगी कि आप इंसान नहीं जानवर हो, जानवर। देखो जो होना था हो गया और तुम औरतें मेरा बिगाड़ी कर सकती, और मैं इस रियासत का एक मजहबी और सियासी स्कॉलर हूँ और ये रियासत हमसे है। तुमने ज्यादा शोर किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वरना 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 क्या, मैं आपका मकरूह चेहरा सबके सामने ले आऊंगी, सबको दिखा दूंगी। बस करो बस, अब ये तुम अपनी हुल्लड़बाजी बंद करो। मेरा इस वक्त एक बहुत बड़े टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू है। शबीर शबीर, मेरा लैपटॉप बैग निकालो, मैंने अभी टीवी पर लाइव आना है। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मुल्क के मायना सियासी व मजहबी स्कॉलर जनाब मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। जी कोई बात। सबसे पहले तो सर आप ये बताएं कि जो आजकल हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आए रोज मासूम बच्चों के साथ जिनसी ज्यादतियां हो रही हैं, उसके पीछे कौन से ऐसे मुहरकात और अवामिल मौजूद हैं कि ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस मामले पर हमारी हुकूमत बेबस नजर आ रही है। सबसे पहले तो आप लोगों का कि इस अहम बल्कि संगीन मसले पर मुझको बात करने का मौका दिया। देखें जी, इसके पीछे जो सबसे पहली वजह है वो दरअसल हमारी मजहब से दूरी है, और दूसरा ये कि हमने यूरोप और अमेरिका जैसी लिबरल, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वाहियात किस्म की रियासतों के रहन सहन को फॉलो करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर बेपर्दगी और अस्तग़फ़िरुल्लाह बेहयाई बढ़ रही है। इससे ना सिर्फ इस तरह के वाकयात में इजाफा हो रहा है, मैं यहां पे एक और बात करना चाहता हूं कि इसमें कसूर मर्दों का नहीं, इसमें कसूर सिर्फ औरतों का है जो दीन के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारती। वाहियाती बेपर्दगी ये सब कुछ वो फैलाती हैं जिसकी वजह से मर्द जो है वो मजबूर होता है इस तरह के वाकयात का वो कसूरवार ठहरता है, बल्कि औरतें जो हैं मर्द को गुनाह करने पर मजबूर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम बरामद। कैसा लगा मेरा टीवी? पूरा पाकिस्तान तारीफ।
बाप को गुनाह करने पर मजबूर कर दी। मेरा कसूर सिर्फ औरतों का है जो दीन के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारती। और मेरे साथ आपने जितनी भी ज्यादतियां की मैं खामोश रही, लेकिन अब मेरी बच्ची के साथ जो आपने किया मैं कभी खामोश नहीं रहूंगी। को मार डाला तो क्या करती हूँ उस कमीने और घटिया इंसान को सारी जिंदगी बर्दाश्त करती रही। उसने एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी माँ को सारी जिंदगी हवस का निशाना बनाता रहा। तो तुम इस हवाले से कानूनी कार्रवाई कर सकती थी, कानून की मदद ले सकती। सजा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में यहाँ कभी किसी मजलूम को इंसाफ मिला है? बताओ ना, बताओ। अब तो यहाँ कानून बन चुका है, उसके तहत उसको सख्त सजा हो सकती थी। हाँ, इसका वो काट दिया जाता जिसकी वजह से वो मर्द बना फिरता है। क्या जुबैदा, मैं और वो मासूम बच्ची उसके खिलाफ जो हम साबित करने में कामयाब हो सकती थी? नहीं ना, क्योंकि हमारा अदालती निजाम शहादते मांगता है, गवाह मांगता है, सबूत मांगता है। फिर कई कई साल बाद फैसला मुजरिम के हक में हो जाता है। बहरहाल तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ मुझे पता है मैंने अच्छा नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ मजहब रस्म और रवाज और इस माशरे में रवायात को ढाल बनाया जाता है सिर्फ अपने मुफाद के लिए। क्या कभी पंडित, पादरी या मौलवी को सजा हुई है? नहीं ना, क्योंकि वो माशरे में खौफ का कारोबार करते हैं, डर का कारोबार करते हैं। लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका।